हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ना पुराने शूज को ना नया करने का ट्राई करते हैं। सो एज यू कैन सी के ये वाले जो कॉन्वर्स के शूज है मैंने कुछ 4 से 5 साल पहले लिए थे और ये थोड़े ना फेड हो गए साइड से। तो मैंने और दीदी ने क्या सोचा कि इसको हम लोग ड्राई करने का ट्राई करें। इसकी क्वालिटी ना अभी भी 4 से 5 साल हो गए लेकिन इसकी क्वालिटी अभी भी अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यार ये शूज ऐसे फेंकने नहीं है, जिनको यूज करना है। तो हम लोग सोच रहे कि हम लोग डाई करें, लेट्स सी क्या होता है। तो एज यू कैन सी हम लोग ने बड़ा टोप ले लिया है, उसके अंदर हमने पानी फुल भर दिया है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, पहले तो हम लोग इसको गर्म करने वाले हैं, फिर इसमें 1 कप पूरा हम लोग सॉल्ट डालेंगे, उसके बाद कलर ऐड करेंगे। कलर ऐड करने के बाद मिक्स करने के बाद हम हमारे ये शूज डाल देंगे। और हमको मैं शूज का बताता हूँ, ये तो कैसे फुल ब्लैक है और इनको मुझे ब्लैक ही करना है। अगर समझो आपके दूसरे व्हाइट कलर के शूज है जिसके ऊपर व्हाइट कलर की स्ट्रिप है, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप इसके ऊपर वैसलीन लगा सकते हो या टेप अप कर सकते हो इसको, ताकि इस पे कलर ऐड ना हो, इस पे कलर लगे नहीं। अगर लग भी जाए ना तो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उससे भी वो निकल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले तो ना आप ये जो शूलेस है ना वो निकाल दो, ताकि शूलेस पे कलर चढ़े नहीं। और मतलब हमारा एडवांटेज क्या है कि ये ब्लैक ही है, पर कैसा हम लोग ट्राई करें और हम लोग को नहीं चाहिए ये अच्छी शूलेस और ख़राब हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पानी को तो ना पहले एकदम मस्त गर्म होने दो, फिर ही कलर ऐड करो, सब कुछ आगे का प्रोसीजर करो। एक्चुअली हमारे पास कलर कम था ना, तो हमने क्या किया, ब्लैक और वायलेट दोनों को हम लोग ने मिक्स करके डाला, तो देखते कि क्या होता है। बस वायलेट कलर नहीं आ जाया कैसे है ना, मतलब अभी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कुछ प्लीज़। वैसे भी अच्छे लगते हैं यार, ऐसे बुरे नहीं लगते हैं। मुझे ही थोड़ी सी ऐसे चुल मच रही थी कि कुछ कलर बना दूँ, कुछ मस्त कलर कर दूँ इनको। बट प्रॉब्लम इज ना, मैं इनको वाड़ा पहन के जाता हूँ और वाड़ा के आने बाद ना मैं नॉर्मली घर पे वॉश करते हूँ इनको, ये शूज को, तो वापस कलर निकल जाएगा। तो वाड़ा के लिए अगर अच्छे बन गए तो मैं वाड़ा यूज नहीं करूँगा इनको, अगर खराब है तो यूज कर सकते हैं, धो जाएगी वापस। टॉप के अंदर अभी हम लोग 20 मिनट्स सोच रहे अंदर रखने का। मुझे बस एक टेंशन क्या है कि वो रबर जो है शूज वो पिघल नहीं जाए यार, क्या लगे लेट्स सी क्या होता है यार, पिघलना नहीं चाहिए बस। 20 मिनट्स हो चुके हैं, अभी मैं गैस बंद कर रहा हूँ और 45 मिनट्स या कितना टाइम बन गया जी, मोर 40 मिनट्स मैं अभी इसी टॉप में रहने दूंगा इसको, फिर बाहर निकल के रिजल्ट पता चलेगा। 1 घंटा पूरा हो चुका है, 20 मिनट बॉइलिंग का और 40 मिनट उसको अंदर रखने का। अभी इट्स टाइम कि हम उसको बाहर निकालें। बाहर निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया है ना कि एक बकेट लिया जिसको हाफ पानी से भर दिया है, तो फ्रेश वाटर उसके अंदर हम लोग बस अभी रख रहे हैं, फिर सुखाने रख देंगे। और जस्ट लुक एट द कलर, फुल ब्लैक यार, एक बार इनको थोड़ा और अच्छे से वॉश भी करने का मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जो पर्पल कलर होगा वो पर्पल क्या, जो ब्लैक कलर होगा वो थोड़ा निकल जाए। मुझे ना एक प्रॉब्लम थी कि ना जब मैं शूज बाहर निकाल रहा था ना, जो पानी जो था ना वो पर्पलिश था थोड़ा, क्योंकि मैंने वायलेट और ब्लैक मिक्स किया था, तो बस ये सूखने का पर्पल नहीं होता। पर ठीक है, वो भी अच्छे लगेंगे, बट स्टिल मुझे ब्लैक अगर रिजल्ट आएगा ना ब्लैक में तो और मजा आएगा। इट्स टाइम टू शो यू द रिजल्ट ऑफ द डाई ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी ट्राइड। आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। एज यू कैन सी के ये जो शूज़ है वो लिटरली ऐसे लग रहे हैं कि मैंने आज ही खरीदे या कल ही खरीदे, एकदम नए हो चुके हैं। आप देख सकते हो एकदम फुल ब्लैक, जो हम लोग ने डाई सोचा जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो बात अलग है कि हमने 2 कलर मिक्स किए थे। आई वुड नॉट एडवाइज यू गाइस के 2 कलर आप मिक्स करो, एक ही कलर ब्लैक डाई डालो, बेस्ट होगा आपके लिए। एंड मतलब
ओवरऑल एकदम मस्त लग रहा है। बस 1% क्या हो गया ना कि जो लेस है ना, हम लोग लेस पहले भी डालने नहीं वाले थे उसके डाई के अंदर, लेकिन मैंने दीदी ने क्या सोचा कि सेम कलर हो जाएगा तो डाल दे, तो वो चक्कर में क्या कि थोड़ी ब्राउनिश सॉरी पर्पलिश हो गई है लेस बस, बाकी और कुछ भी ऐसा कुछ ऐसा पर्पल मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, बाकी तो एकदम ऐसा लग रही नए हो गए यार। सच्ची बताऊँ ना, जब बॉयल करने रखे थे ना शूज को डाई के अंदर, तब ना क्या होता मुझे ऐसा लग रहा था ये ना ये एरिया वो फुल रहे, तो मुझे डर लग रहा था। मैं दीदी को बोला था, दीदी यार इसको कुछ हो ना जाए यार, ये इतने अच्छे शूज है ऐसे खराब नहीं होने चाहिए, हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मस्त हो गए एकदम। हमने 20 मिनट्स उनको बॉयल किया डाई के अंदर, पहले तो सॉल्ट डाला, फिर पानी गर्म किया, उसके अंदर ये डाला डाई डाला, दोनों कलर मिक्स कर दिया, वो मत करना आपसे ब्लैक ही डालना, एंड बस ये सब किया, फिर शूज डाल दिए उनको मिक्स किया 20 मिनट्स से, हम लोग ने उनको बॉयल किया 40 मिनट्स और अंदर रहने दिया, थोड़ा मिक्स करते रहे टाइम टू टाइम हम लोग, फिर एक बार अच्छे से वॉश करके सुखाने रख दिया, बस एकदम सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको करना हो तो करना, लेकिन आपके अगर वाइट शूज हो या फिर वाइट स्ट्रिप हो तो उनको कवर करना मत भूलना, वैसलीन या टेप या कुछ ऐसा लगाने मत भूलना, बाकी तो एकदम मस्त हो जाएगी यार, मेरे को तो एकदम नए नए लग रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।